आज हम डोडा कम्युनिटी हॉल में आए हुए हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट जो है कंपटीशन यहाँ पर हुआ, जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया और नए नए आइडियाज़ लेके जो है ये बच्चे आज यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ ये दिखाना चाहते हैं, क्या कुछ इनकी सोच है, इन बच्चों से बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कंसेप्ट आज यहाँ पर लेके आए हैं, क्या कुछ कह रहा है इस कंसेप्ट को लेके इनका है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, थोड़ा आगे आ जाओ। सर मेरा नाम आकर्ष सिंह भाव है। आप कहाँ के रहने वाले? सर कास्तीगढ़ के। आपका कौन सा स्कूल है? एमएस कास्तीगढ़। तो आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज कंसेप्ट यहाँ पर एग्जीबिशन में लेके आए हो, इस कंसेप्ट को लेके थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताओ, ये कंसेप्ट जो है क्या है, किस मतलब किस तरह ये कंसेप्ट जो है आपके माइंड में आया? सर हम देखते हैं जो हमारा घर है सर, हमारे होम के सामने नेशनल हाईवे है, तो सर मैं रोज़ देखता सर इस आगे आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मॉडल एक बनाया जाए जिसको ये एक्सीडेंट रोके जा सकें, एक एक्सीडेंट्स के बारे में सर। तो कंसर्ट मैं आपको बताता चलूँ कि चिनाब वैली है, काफ़ी हिली एरिया है, लगातार देखने में ये आता है कि चिनाब वैली में आए दिन जो है हादसे होते रहते हैं, चाहे वो ब्लाइंड करो की वजह से हो, क्रैश बैरियर्स ना होने की वजह से हो, एक्सीडेंट होते रहते हैं, जो लगातार नुकसान जो है चिनाब वैली को हो रहा है, उस सब को लेकर कंसेप्ट इस बच्चे का है, काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट है। कंसेप्ट भी आप तक पहुँचाएंगे किस तरह इस बच्चे ने जो है मेहनत की है कंसेप्ट को बनाने में, और आप तक भी पहुँचाएंगे ताकि सरकार इस चीज़ को देखे, इस पर जो है खासतौर पर गौरव फिक्र करे कि चिनाब वैली में जो ज़रूरत अभी है तो क्या कुछ बच्चा जो अभी बना रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा इस कंसेप्ट को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सड़क है, आपने देखा होगा बिल्कुल पहाड़ों के आसपास से सड़क है, इस पर गाड़ियाँ जो है चल रही है। अब मेरी समझ से थोड़ा अभी बाहर है, तो इसी बच्चे से मैं जानने की कोशिश करूँगा इस कंसेप्ट को लेकर। बेटा बताओ क्या है ये कंसेप्ट? सर ये कंसेप्ट है जो ड्राइवर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे रोज सर ब्लाइंड कर्व्स पे एक्सीडेंट होते हैं, तो सर हमने ये मॉडल बनाया है, ये सर सेंसर है, दो ये वाला सेंसर सर इससे कनेक्ट है और ये सेंसर इस वाले से कनेक्ट है। सर जब कार यहाँ से आएगी तो सर उसको कोई पता नहीं है कि इधर से कोई कार आ रही है। सर मानो अगर यहाँ पे पूरी सड़क खाली है, उसको यहाँ पे सर ये ऐसी जैसी ग्रीन लाइट यहाँ पे शो करेगी, सर ये खराब हो गया थोड़ा उतना, ये वायर छूट गई सर अंदर। हाँ अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो ये वाली कार इजली यहाँ से पास हो जाएगी, अगर यहाँ पे कोई व्हीकल है तो उसको यहाँ पे ऐसा जैसा रेड सिग्नल शो होगा, या तो वो अपनी स्पीड स्लो कर लेंगे या को कार को साइड में पार कर लेंगे। इसी तरह सर इस साइड भी अगर कोई इधर से कार आ रही है, उधर से पूरी सड़क खाली है, तो उसको ये ग्रीन लाइट शो ग्लो कर रही है, उसको दिखाई देगी तो इधर से इजिली पास हो जाएगा। अगर उस साइड कोई व्हीकल है तो उसको इधर रेड लाइट दिखा देगी, वो अपनी स्पीड स्लो कर लेगा, उनको पता चल पड़ेगा कि उधर से कोई कार आ रही है। इसी तरह सर ये जो ये इलेक्ट्रिसिटी से, ये सर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है अभी, हम चाहते हैं सर इनके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएं, क्योंकि ये धूप से भी इनको चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सर दूर दूर जगह नहीं पहुंच सकती, तो सर ये हमारा मॉडल सर। तो क्या लगता है आपको, आज आपने जो है एग्जीबिशन में आए हुए थे, ये कंसेप्ट आपने खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर तक भी पहुँचाया, तो क्या कुछ उनने आपको कहा? सर उन्होंने डीसी सर ने कहा कि ये बहुत अच्छा मॉडल है, इस पे आप काम करो। सर मेरा आइडिया था कि मैंने ये मॉडल बनाया, हम चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट इस पे आगे एक्शन ले, ऐसा जैसा पोल्स लगाए जाएं ब्लाइंड कर्स पे जहाँ ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। सर तो आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप कास्तीगढ़ के रहने वाले हैं, कास्तीगढ़ काफ़ी हिली टेरेन है, काफ़ी ज़्यादा कर्व्स हैं वहाँ पर है, सड़कें जो है बिल्कुल कंजेस्टेड हैं, कंजेस्टेड काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या लगता है ये जो कंसेप्ट आपके माइंड में आया खासतौर पर कैसे आया, क्या किसी उस्ताद ने आपको सिखाया या खुद से जो है आपने कंसेप्ट? नहीं सर खुद से मैंने लाया, क्योंकि सर मैं रोज़ देखता था शाम को जब मैं निकलता था अपने होम से बाहर, तो हमारे सर सामने कभी सोना गए, रात को सर एक दिन एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बिल्कुल सर नीचे चली गई, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक मॉडल बनाया जाए क्यों इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। तो सर भीली ब्लाइंड कर जैसे पीछे रगी नाला आ गया, सर एक एग्जाम्पल लेते हैं समरोज की, कितना खराब नाला है सर, करूँ मैं उस पर कितने, तो अगर सर ऐसे जैसे पिलर्स वहाँ लगाए जाएँ तो सर एक्सीडेंट्स का रुकाव हो सकता है। सर आपने देख लिया, क्या कुछ कहना इस बच्चे का है, बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा समझदार है, क्योंकि चिनाब वैली है, हिली एरिया है, कर्व्स काफ़ी ज़्यादा है, और लगातार आपने देखा होगा कि चिनाब वैली में हादसे हो रहे हैं, उस सब को लेके कंसेप्ट जो है काफ़ी अच्छा लाया हुआ है, क्योंकि जो ब्लाइंड कर्व्स है यहाँ, ये कह सकते हैं कि हिली एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो दिक्कत जो है काफ़ी ज़्यादा इन कर्व्स पर रहती है, लेकिन दिमाग लगा के एक ऐसा कंसेप्ट बनाना जो चिनाब वैली को खासतौर पर बचा सके, हादसे को खासतौर पर बचा सके, और हमें भी ये कंसेप्ट जो है काफ़ी अच्छा लगा। अब इस बच्चे की उम्मीद यही है कि सरकार जो इस प्रोजेक्ट को खासतौर पर देखेगी, तवज्जो इस प्रोजेक्ट पर देगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है खासतौर पर चिनाब वैली के लिए बना है, क्योंकि चिनाब वैली ही वाहिद एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में लगातार जो है हादसे हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये जो कंसेप्ट है आगा आपका है, आगे आने वाले टाइम में सरकार इस पर तवज्जो देने की कोशिश करेगी? सर मेरी उम्मीद तो है सर इस पर सरकार लेगी एक्शन, सर लेना भी
चाहिए, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, उन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सर हमने ये टावर्स लगाने चाहिए। देख लिए, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ अभी तक चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हम खास पे बात करें या सरकार की बात करें, इन चीज़ों को देखने में जो है अभी पीछे रह चुकी है, लेकिन इस बच्चे का कंसेप्ट है, इस बच्चे ने एक कंसेप्ट जो है ला के दिखाया कि मेरा ये कंसेप्ट है, आप देखो, अगर लगता है आपको चुनाव वैली में इसकी ज़रूरत है तो आने वाले टाइम में ये कंसेप्ट जो है यहाँ पर लाया जाए, ताकि चुनाव वैली हादसों से बचे, जो आए दिन जो है जाने जाती है वो जाने जो है जाने से बचे। बहुत अच्छा कंसेप्ट, हम भी उम्मीद करेंगे स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जो कंपटीशन आज यहाँ पर हुआ, एग्जीबिशन यहाँ पर हुआ, कंसेप्ट जो है बहुत सारे बच्चों ने लेके आए, लेकिन ये थोड़ा यूनिक था क्योंकि चुनाव वैली को लेके बिल्कुल देखा ये जा रहा है, आए दिन हर दिन खबर चलती है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन जो इस बच्चे का कंसेप्ट, उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में इस कंसेप्ट को देखा जाएगा, इस चुनाव वैली के इन सड़कों को देखा जाएगा, और आने वाले टाइम में इस कंसेप्ट को या इस तरह का कोई कंसेप्ट लाया जाए ताकि चुनाव वैली में जो है हादसे कम हो और आने वाले टाइम में चुनाव वैली जो हादसों से बचे। तो इस कंसेप्ट को लेकर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि कंसेप्ट जो है काफ़ी अच्छा था, जो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पसंद भी आया, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर थे, सीईओ डोडा यहाँ पर थे, सबको ये कंसेप्ट जो है पसंद आया। तो इसी सब पे बातचीत करने के लिए जेडी डोडा हमारे साथ जुड़े हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खुश है इस प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन कुछ चीज़ें और ये इस पर ऐड करना चाहते थे ताकि जो ये चीज़ जो कंसेप्ट इस बच्चे का है इसमें और बढ़ोतरी हो जाए और आने वाले टाइम में चुनाव वैली जो है हादसों से बच जाए। तो सर थोड़ा आगे आए, आपसे जानने की कोशिश करूँगा जो बच्चे का कंसेप्ट था खासतौर पर इस कंसेप्ट को लेकर, और एक्स्ट्रा क्या कुछ चाहते हो कि जो प्रोजेक्ट अभी ये बच्चा बना रहा है या चुनाव वैली में इस तरह का प्रोजेक्ट जो है बनना चाहिए, क्या कुछ कहना आपका इस पर? ये जो बच्चे का प्रोजेक्ट है, बच्चे ने जो यहाँ पे डिस्प्ले किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है ये, खासकर हमारी चुनाव वैली के लिए जहाँ पे एक्सीडेंट्स वो रोज़मर्रा का एक रूटीन ही बन चुकी है। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पे रोड्स बन रही हैं, तो अगर वहाँ से जो कटिंग होती है, जो मलबा वहाँ से निकलता है, उसको डंपिंग साइड पे ना डालें, अगर हम उसको ऐसा करें कि पिछली साइड से उठाकर मलबे को अगली साइड जहाँ से गाड़ियाँ जो है नीचे एक्सीडेंट हो जाती हैं, चली जाती हैं, तो अगर हम उस साइड उसको डाल दिया जाए और उसको एक 4 या 5 फुट की हाइट उसको दे के उसके ऊपर वो प्लांटेशन भी हम उसके ऊपर आसानी के साथ कर सकते हैं, और एक बहुत सुंदर, एक तो एक्सीडेंट से चुनाव में या नीचे गाड़ियां जाने से रुक जाएंगी, और साथ में हमारा जो पोल्यूशन का मसला है रोड साइड में वो भी हल हो जाएगा। यानी मैं ऐसा समझ लूँ कि जिस तरह आप कहते हैं कि रोड की जो है वाइडनिंग भी काफ़ी ज़्यादा उससे हो सकती है, और प्लांटेशन जगह जगह देखने में आता है कि प्लांट लगाना जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब नेशनल हाईवे पे या लिंक्स रोड की खास तौर पर बात करें, तो जो आप जैसे कह रहे हैं कि मलबा वहाँ पर डाल दिया जाए, उस पर प्लांटेशन की जाए, तो प्लांटेशन हो सकती है और रोड जो है ब्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। जी जी, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में जिस तरह का प्रोजेक्ट अभी खास तौर पर बच्चे का है, ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आगे आने वाले टाइम, और जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं, क्योंकि फर्दर फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड भी होती है, तो क्या लगता है चांसेस है इस प्रोजेक्ट के आगे? चांसेस तो हैं, क्योंकि नए नए आइडियाज आ रहे हैं, तो इन पे सोचना चाहिए आगे ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं इनको इंप्लीमेंट। आपको जो चीजें खास तौर पर अब कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे जो चाहे वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनको सोचनी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे है या रिंग रोड्स हैं, कर उस पे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्रैश बैरियर्स कहीं पर नहीं दिखते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट इस बच्चे का है, छोटा सा बच्चा है, क्या लगता है आपको कि इस बच्चे का जो कंसेप्ट, इस पे अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव वैली है, आप इस चीज़ को क्या कहते? बच्चे का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, और इस पे अगर अमल किया जाए, सोच विचार अगर इस पे अमल किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, खासकर हमारी चुनाव वैली या जो भी पहाड़ी बेल्ट है हमारी, तो अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं इस कंसेप्ट को लेके जेडीओ डोडा का भी क्या क्या कहना है कि थोड़ी बहुत चीज़ें और भी ऐड हो तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उम्मीद है आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट को देखा जाएगा, और खास तौर पर जो इस बच्चे की मेहनत है, अगर इसमें ऐड करने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है वो किया जाए, लेकिन इस तरह की कोशिश चुनाव वैली में ज़रूर की जाए ताकि हादसा होने से चुनाव वैली बच सके, और दाद देनी पड़ेगी खासतौर पर इस बच्चे को, डोडा के दूर पार इलाके के रहने वाले हैं, कास्तीगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है काफ़ी अच्छा लेके आए, उम्मीद है आने वाले टाइम में इस कंसेप्ट को देखा जाएगा और इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जो है की जाएगी ताकि चुनाव वैली जो आगे आने वाले टाइम में हादसों से बच जाएगी।